स्वागत है। आप एक फैमिली स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक, तो आपके लिए एथर एनर्जी रिश्ता स्कूटर लेकर आ गया है। जी हाँ, इसका रेंज कितना है, इसमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, ये जानने के लिए देखिए मेरे साथ इसका रिव्यू। एथर का नया स्कूटर, जी हाँ रिश्ता, कीमत है 1,10,000 से, और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 1,45,000 रुपया। रिश्ता कंपनी का कहना है कि एक फैमिली स्कूटर है, और जो इंडियन फैमिली एक स्कूटर चाहती है वो सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं, चाहे वो रेंज हो, स्पेस हो, या फिर इसका डिज़ाइन लैंग्वेज, तीनों चीज़ इसमें आपको इनकॉर्पोरेट किया गया है। और साथ ही इसमें भी वही कनेक्टेड टेक फीचर्स हैं जो एथर के 450X या 450 में आपको मिलते हैं। रिश्ता का जो फ्रंट लुक है उसे सिंपल, सोबर और थोड़ा सा मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। सामने यहाँ पर ब्लैक ग्लॉसी फिनिश मिलता है, और यहाँ पर जो हेडलैम्प है उसमें DRL दिया गया, साथ ही टर्न इंडिकेटर है, और जो इसका डिज़ाइन है बड़ा ही सिंपल एक फैमिली स्कूटर की तरह रखा गया। और यहाँ पर आप देखें इस स्कूटर में सेम 450 जो एथर का है उसी तरह यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक दिया गया, और फ्रंट और रियर दोनों में जो टायर का साइज है सेम 12 इंच का, और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। हैंडल की बात करें जो इसका हैंडल है वही सेम जो एथर का 450 और 450X है उसकी तरह यहाँ रखा गया, लेकिन थोड़ा सा इसका डिज़ाइन जो लैंग्वेज है वो अलग है। यहाँ पर आपको ब्लैक ग्लॉसी मिलता है, स्क्रीन का जो साइज है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो हैंडल में लगे टॉगल्स और बटन हैं उनके डिज़ाइन सेम है जो एथर के 450 और 450X मिलते हैं। स्क्रीन की बात करें तो इसमें दो तरह के स्क्रीन मिलते हैं, जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच का डीप व्यू स्क्रीन मिलता है, जबकि जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है। रिश्ता में जो सबसे जो मेन जो चीज़ है वो है कंफर्ट और स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया है। कंपनी का कहना है कि जो इसका सीट है उसकी जो लेंथ है वो इंडिया में जितने भी स्कूटर मिलते हैं उन सबके मुकाबले काफ़ी लंबा है। जी हाँ, 900 mm, यहाँ से यहाँ तक जो सीट का जो लेंथ है वो है 900 mm। और दूसरी चीज़, सीट के नीचे स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, आप मैं खोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो आप लगे स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी का कहना है कि 34 लीटर्स में स्पेस मिलता है, और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग का सॉकेट भी दिया गया है। और दूसरी चीज़ कंपनी का भी कहना है कि यहाँ पर छोटा सा और एक पॉकेट बॉक्स दिया गया है जिसमें आप अपने दूसरे सामान, छोटे सामान, मोबाइल फ़ोन, पर्स यहाँ पर आप रख सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि एथर की जो खासियत है सीट के साथ साथ जो इसका ग्रैब रेल है वो काफ़ी स्टडी है, और यहाँ पर आपका बैक रेस्ट भी दिया गया है जो इस एथर के किसी भी फैमिली स्कूटर में तो नहीं मिलते हैं, बाकी दूसरे स्कूटर मिलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये काफ़ी स्टडी है और जो प्लेन राइडर हैं उसके लिए तो काफ़ी अच्छा खासा है। परफॉर्मेंस और बैटरी पैक की बात करें तो रिश्ता में आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, पहला है 2.9 kW का और दूसरा है 3.7 kW का, और सेम बैटरी पैक आपको एथर के जो 450 और 450X में भी मिलता है, और इसी वजह से रेंज भी काफ़ी कुछ सिमिलर है। कंपनी कहना है कि जो इसकी टॉप स्पीड है रिश्ता का वो है 80 किलोमीटर, और जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है उसका जो रेंज है IDC कंडीशन में वो है 123 किलोमीटर, जबकि जो 3.7 किलोवाट का जो बैटरी पैक है उसमें आपको जो रेंज मिलता है वो है 160 किलोमीटर। साथ ही इस स्कूटर में आपको 2 राइड मोड मिलते हैं, एक है इको और दूसरा है जीप। साथ ही इसमें जो भी कनेक्टेड जो टेक फीचर्स एथर के 450 और 450X मिलते हैं वो आपको इसमें इनबिल्ट किए गए इस स्क्रीन में आपको।
और दूसरी चीज बताऊंगा कि आपको टॉगल है, टॉगल के सहारे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं जो 450X में आपको मिलता है। और इसके साथ मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट दिया गया लेफ्ट साइड में, और आपको राइट साइड में आपको की का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। क्रिस्टा का जो रियर लुक है उसे भी सिंपल और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन थीम पर डिजाइन किया गया। और आप गौर से देखें जो इसका टेल लैंप का डिज़ाइन है वो सिंगल लाइन में आपको दिया गया है, चाहे वो टर्न इंडिकेटर हो या फिर ब्रेक लाइट। और एक चीज़ बताऊंगा, जो रियर ब्रेक है वो यहाँ पर आपको इस रिश्ता में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया, ना कि आपको डिस्क ब्रेक। और दूसरी चीज़, सबको उम्मीद था कि इस रिश्ता फैमिली स्कूटर में मेन स्टैंड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कंपनीज में मेन स्टैंड ऑप्शन नहीं दिए, सिर्फ आपको साइड स्टैंड ही से मिलता है जो एथर 450 और 450X में आपको मिलता है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में